दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि डायनासोर के समय में सांप डायनासोर से भी बड़े होते थे, और कई सांपों के तो पंख भी होते थे जिनसे वो हवा में उड़कर पंछियों का शिकार कर सकते थे। चलिए आज हम आपको बताते हैं सांप से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। सांप इस धरती पर 130 करोड़ साल से है, यानी के डायनासोर के समय से, जिनमें से कई सांप डायनासोर का शिकार आसानी से कर लेते थे। दुनिया भर में सांपों की लगभग 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 500 प्रजातियों में ही जहर पाया जाता है। दुनिया में हर साल सांपों द्वारा 5 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कि किसी भी जानवर द्वारा सबसे अधिक है। दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता। काटने की ज्यादातर कठिनाई उन पर पैर रख देने की वजह से होती है। सांप कभी भी किसी भी चीज को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निकल जाते हैं। दुनिया भर के सांप मेंढक, छिपकली, पंछी, चूहे और अपने से छोटे सांपों को भी खा सकते हैं। अफ्रीका का अजगर तो छोटी गांव को भी निगल जाता है, जिसे एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है, जो काफी बड़ा और विशाल है। अफ्रीका में पाए जाने वाले इस सांप के ऊपर काफी रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं कि इनके शरीर में ऐसा क्या है जिनसे इनका शरीर काफी विशाल बन जाता है, और बाद में इनका प्रयोग इंसानों पर भी किया जा सकता है। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार सांप एक बार में अपने से बड़े जानवर भी निगल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघता है। अपनी जीभ से सांप अपने आसपास के माहौल का पता लगाता है। 7 साल में सांप 3 बार अपनी चमड़ी को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। क्या आपको पता है कि अफ्रीका में पाई जाने वाली ये प्रजाति एनाकोंडा के सामने लोगों की बलि देती है, ताकि वो उन्हें खा सकें और फिर दोबारा वो उनके कबीले के लोगों पर हमला ना करें। ज्यादातर वो बाहर से आए लोगों को पकड़कर उनकी बलि देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि सांप बहरे होते हैं। भीड़ की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला हुआ अंधविश्वास है। अगर कभी सांप पीछे पड़ जाए तो अपनी जान बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा भागे। सीधा दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा। सबसे दुर्लभ की कतार पर खड़ा सांप सेटेलाइट रेसर है। इनमें से केवल 1800 सांप ही बचे हैं। दुनिया में सांपों की 70% प्रजातियां अंडे देती हैं, बाकी की 30% प्रजातियां डायरेक्ट बच्चे पैदा करती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।